मनोज बाजपेयी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और अपने इंटरव्यू में उन्होंने इंटर रिलीजन मैरिज पर बात की। उन्होंने 2006 में एक्ट्रेस शबाना रजा से शादी की थी। शबाना ने 1998 में विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म करीब से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। उस फिल्म में उन्हें नेहा नाम से क्रेडिट दिया गया था। इसी फिल्म के बाद उनकी मुलाकात मनोज बाजपेयी से हुई, जिनकी सत्या भी तभी रिलीज हुई थी। मनोज बाजपेयी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा कि शबाना से उनकी शादी धर्म से कहीं बढ़कर है। बरखा दत्त के साथ मोजो स्टोरी के लिए दिए एक इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी ने कहा, शबाना से मेरी शादी धर्म से ज्यादा उन मूल्यों के बारे में है जिनमें हम दोनों का विश्वास है। वो ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करते, वो अनकही बातें हैं। कल अगर हम दोनों में से किसी के वैल्यूज बदल जाते हैं तो हमारी शादी नहीं चल पाएगी। मनोज से पूछा कि क्या उनके घर वालों को इस बात से दिक्कत नहीं थी कि वो एक मुस्लिम महिला से शादी कर रहे हैं। इसके जवाब में मनोज कहते हैं, अगर रही भी होगी तो वो मुझ तक नहीं पहुंची या उसे कभी जाहिर नहीं किया गया। मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूं, उनकी यानी कि शबाना की फैमिली भी काफ़ी सम्मानित थी, मगर बड़ी हैरानी की बात है कि मेरे घर वालों ने कभी इस शादी का विरोध नहीं किया, आज तक नहीं। मनोज ने यह भी बताया कि उनकी वाइफ शबाना बहुत धार्मिक नहीं है, उनका रुझान आध्यात्म की ओर है। इस पर बात करते हुए मनोज ने बताया, वो स्पिरिचुअल हैं, बहुत आध्यात्मिक, उन्हें अपने मुस्लिम होने पर गर्व है, मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है, मगर इन दोनों चीज़ों का टकराव नहीं होता। मगर मनोज का कहना है कि वो किसी धर्म के खिलाफ की गई टिप्पणी पसंद नहीं करते, ये चीज़ उनके आसपास के लोगों को पता है। मनोज कहते हैं कि अगर वो लोग मेरी वाइफ के धर्म के बारे में बात करते भी हैं तो उनमें इतनी हिम्मत कभी नहीं होगी कि मेरे सामने ये बात कह सकें, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जवाब देने से नहीं कतराता। मैं इस तरह की बातों को लेकर बहुत सख्त हूँ, मैं उनसे पेश भी उसी सख्ती से आता हूं। मेरे दोस्त भी अगर ऐसी गलत बात करते हैं जो नहीं करनी चाहिए तो मैं उसे अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए लोग आज भी मेरे गुस्से की बात करते रहते हैं। मनोज और शबाना की एक बिटिया भी है, स्कूल में पढ़ती है। मनोज ने बताया कि उनकी बिटिया जब तीसरी चौथी क्लास में थी तो अपनी माँ के धर्म के बारे में पूछा, क्योंकि उनके स्कूल में इस तरह की बातें हो रही थी। मनोज ने अपनी बेटी से ही पूछ लिया कि वो कौन सा धर्म फॉलो करना चाहेंगी, तो जवाब मिला बौद्ध धर्म, क्योंकि उनकी किताबों में बौद्ध भिक्षुओं के बारे में पढ़ाया जाता है। मनोज उस बाबत कहते हैं, बच्चों को इस उम्र में बताया जाए कि वो किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं ये सही नहीं है। उन्हें खुद को ढूंढने दीजिए, उन्हें धर्म भी खुद ही पता लगाने दीजिए, उन्हें इस बारे में किनारे करने की जरूरत नहीं है, उसकी सोचने की क्षमता को हमें लिमिट नहीं करना चाहिए। मनोज बाजपेयी आखिरी बार डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई फिल्म गुलमोहर में दिखाई दिए थे। आने वाले दिनों में वो जोरम और डिस्पैच नाम की फिल्मों में दिखने वाले हैं। इसके अलावा वो अमेजोन प्राइम वीडियो सीरीज द फैमिली मैन के तीसरे सीजन में भी दिखाई देंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे मेरे साथी श्वेतांक शेखर, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।